तीन कम तीन ही छह में एक फीकी अच्छा तुम्हें कहता ना बड़ा परेशान करते पिछली कार्यकारिणी ने करीब 34 लोगों को आगे सदस्य बनाया था, इस कार्यकारिणी ने इसको 134 का आंकड़ा पार कर दिया है। जो भी आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं, रितेश जी पंजीकरण का काउंटर वहाँ लगाए हुए हैं, आजीवन सदस्य बन सकते हैं। इस धनराशि को हम सुरक्षित रखते हैं, उसके ब्याज को भी अभी तक खर्च नहीं किया गया। करता हूँ प्रोफेसर माता प्रसाद जायसवाल जी जो हमारे बीच में बीजापुर से चल करके आए हैं। छोटा सा सदस्य इस मंच जायसवाल कन्या समिति के आयोजकों को प्रणाम करता हूँ। जुलाई में कार्यभार लिया था, अभी इसी जुलाई 18 को जुलाई आइए बैठिए। अगस्त में आई हुई है 120,000 रसीदें, जिसे कलेक्ट नहीं हो पाया उसमें और भी आ जाएगा। तो टोटल हम लोग की जो कलेक्शन हुआ है, व्यय जो हुआ है मंथ वाइज हम बता दे रहे 15,846 रुपये हुआ है जुलाई में, 38,399 हुआ है अगस्त में, 160,930 सितंबर में हुआ है, अक्टूबर में 4,635। श्री सहाय जायसवाल जी जो हर वर्ष विद्यालय के बच्चों को हमारे साथ हमारे अच्छा जी आज यहाँ पर जयंती मना रहे हैं, किस तरह से पूरा आयोजन किया गया, क्या कुछ मंत्री के रूप में? देखिए ये जयंती हम लोग जो हैं लगभग 20 वर्षों से मना रहे हैं,
मैं यह बताना चाहता हूँ कि वो कौन सा विंग है प्रांगण में डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल की, कौन सा क्षण है प्रतिमा जो कांस्य की बनी हुई है, आदमकद है, परम आदरणीय है, जिसको काशी प्रसाद जी माननीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो व्यवसायी से उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग को आदेश करके मूर्ति निर्माण करवाया, क्योंकि वर्ष 2010 में अपने देश में आज की तारीख में जो डिप्टी सीएम है आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी वो मेयर थे, उनके कृपा से यहाँ वो अच्छा मैं आप लोगों को हर साल डॉक्टर काशी प्रसाद डॉक्टर काशी प्रसाद की क्या भूमिका थी, क्या उनका योगदान रहा समाज में? डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जिस समय पैदा हुए जो कि इतने और बड़े जिस समय वो उनका प्रादुर्भाव हुआ पर्याप्त धन उन्होंने हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया में भारत के बारे में जो स्थिति थी जो डार्क एज का था इतिहास में जो चीजें लुप्त थी उसको उन्होंने रिसर्च करके बताया कि हम भारत में आज जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये उसके बहुत पहले से चालू थी, इसको भी उन्होंने प्रकट किया और तमाम पुस्तकों का उन्होंने लेखन किया है इतिहास में, बड़े व्यापारी के घर में जो पैदा हुआ किया है, तमाम मुद्राओं के ऊपर उन्होंने जो है शोध करके बताया है कि कब कौन सी मुद्रा जो किस काल में प्रचलित थी उसका क्या महत्व था, ये सब काम उन्होंने किया है और बहुत ही कम समय में महापुरुष 1881 में 27 नवंबर को पैदा हुए थे और मात्र 56 साल की अवस्था में 4 अगस्त 1937 को उनका देहावसान हो गया था। क्रांतिकारी वो डॉक्टर काशी राजेंद्र प्रसाद जी के भी साथ काम कर चुके थे, उनके बारे में सबसे बड़ी बात तो अमृतलाल नागर जी ने कही कि यदि मुझे एक दिन के लिए बासाहत मिल जाए भारत की तो डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल की मूर्तियां पूरे हिंदुस्तान के गली गली में स्थापित करा था। ये ऐसा व्यक्तित्व था उनको, गांधी जी उनसे प्रभावित थे, मालवीय जी उनसे प्रभावित थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उनके साथ के साथ उन्होंने काम किया था, वीर सावरकर के साथ उन्होंने बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति थे, अंग्रेज उनसे बहुत जो है मतलब जो है वो उनसे नाराज रहते थे, जब वो कलकत्ता में जो है वकालत करने के लिए लंदन से पढ़ करके आए वकालत करने के लिए गए तो वहाँ वकालत करने नहीं दिया गया, फिर जो है प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए वहाँ पर यूनिवर्सिटी में और जैसे ही जो है वेस्ट बंगाल से जो है पटना बिहार बना तो बिहार के राजधानी पटना में काम करने आ गए थे और पटना में ही रहते, उनके नाम पर पटना में संग्रहालय है, जर्मनी में उनके नाम पर सड़क है, उसी से प्रभावित होकर डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के नाम पर इस मार्ग का नामकरण जो किया गया था आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के द्वारा, तो ये बहुत महान विभूति थे। आज जयंती में कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है इसमें रखी गई? आज के अवसर पर जो है मेन तो ये है कि समाज को कैसे जागरूक किया जाए, जो बच्चे हैं मेधावी हैं उनका सम्मान का कार्यक्रम है, उसके बाद से जो समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं जो समाज के लिए बेहतर काम करते हैं उनका सम्मान होना है, यहाँ पर विशेष रूप से अभी तो आप दोपहर के बाद जो है लगभग 3 बजे एक गोष्ठी होगी, पूरे वयस्क वर्गों की गोष्ठी होगी कि वयस्क समाज के लोगों के को जो है राजनीति में किस प्रकार से अपना मुकाम बनाना चाहिए, जायसवाल समाज भी बहुत पिछड़ा हुआ है तो इसके माध्यम से इस बात पर भी जो है वो करते हैं कि हमारे हम लोगों को जो है लोकसभा में टिकट मिले, विधानसभाओं में टिकट मिले, जिससे कि हमारा जो है राजनीतिक उत्थान हो सके। देखिए हमारा ये मानना है या सभी का ये मानना है कि जो समाज जो राजनीतिक रूप से जो है प्रोग्रेसिव है या प्रोग्रेस कर चुका है, स्थान बना चुका है, वही समाज में स्थान बना पाए, क्योंकि राजनीति में आपका स्थान मजबूत नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। देखिए और इसके साथ साथ सवर्ण समाज में ब्राह्मण है वो राजनीतिक दृष्टि से मजबूत हैं, उनकी पूछ है, राजपूत हैं उनकी पूछ है, अभी जो है पिछड़े वर्ग में आने वाला जो यादव भाई है उसने अपनी जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाया, उनके बीच से लोग निकल करके आए, राम नरेश यादव जी से लेकर के मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी, तो ये उनकी धाक है, ताकत है, उनकी पूछ है समाज में जो है। मायावती जी के आने से जो है दलित वर्ग का भी सम्मान बढ़ा, चार चार बार मुख्यमंत्री बने, आज जो है उनकी कोई उपेक्षा नहीं कर सकता, हमारे समाज के लोगों का कहीं कोई जो है वर्चस्व नहीं है, अब थोड़े थोड़े लोग आ रहे हैं, ये बात भी सही है, तो इसके लिए भी हम लोग जो है प्रयासरत हैं।